हेलो एवरीवन, मैं ममता चौरसिया और आज हम बनाने वाले हैं हरी प्याज का बहुत ही टेस्टी चिकन। तो चलिए रेसिपी को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 700 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है और उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। और यहाँ मैंने 6 से 7 मैंने लिया है हरी प्याज। तो सबसे पहले इसकी जड़ें अलग कर लेंगे और व्हाइट वाले जो पोर्शन है तो सबसे पहले इसको हम बारीक चॉप कर लेते हैं। तो हमने इसको बारीक चॉप कर लिया है और जो हरा वाला पोर्शन है इसको हम बड़ा बड़ा रफली चॉप करेंगे, क्योंकि हमने इसका मसाला पेस्ट तैयार करना है तो इसलिए मैंने इसको रफली चॉप किया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है, आप देख रहे हैं 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है और यहाँ पे 12 से 15 कलियां लहसुन के लिए है और ये हरी प्याज है। तो चलिए हम इसका मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, आप कुकर या कढ़ाई दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच डाल दिया है सरसों का तेल और इसके अंदर हम डालेंगे खड़े मसाले। तो साबुत मसाले जितने डालेंगे तो उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही निखर के आता है नॉनवेज में। तो यहाँ पे मैंने साबुत मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं तेल गर्म होने पर। अब हम इसके अंदर जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाएगा तो आप देखेंगे मैं डाल दूंगी इसमें 2 प्याज, लाल वाली प्याज मैं इसमें यूज कर रही हूँ। तो इसका हल्का सा मैं ट्रांसपेरेंट कलर होने दूंगी और जैसे ही ट्रांसपेरेंट कलर हो गया आप देख रहे हैं, अब मैं इसके बाद जो स्प्रिंग ऑनियन का व्हाइट वाला पोर्शन था अब इसको भी ऐड कर देंगे। तो इसको भी हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेते हैं और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने हरा मसाले का पेस्ट तैयार किया है स्प्रिंग ऑनियन का, हम उसको ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो करीब 6 से 7 मिनट तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है। और जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो आप देखेंगे कि ऊपर जो तेल आ चुका है। तो अब यहाँ पर बारी आ जाती है सूखे मसाले ऐड करने की। सूखे मसालों पर यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला और 1/2 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। तो इन सूखे मसालों को भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्च का पेस्ट इसका तैयार कर लिया था। तो अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इस टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको भूनने में 6 से 7 मिनट अच्छे से लग जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो मसाला है अच्छे से भून गया है और ऊपर ऊपर आप देखेंगे ऑयल धीरे धीरे आने लग जाएगा, ये देखिए। तो अब यहाँ पर इस स्टेज पर जो हमारा मसाला है बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमने चिकन अच्छे से धो के साफ करके रखा था, उस चिकन को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। धीरे धीरे हम इसके अंदर जितने भी पीसेस हैं उसको डालते जाएंगे और यहाँ पर मैं जो फ्लेम है उसको मीडियम पे कर दूंगी। आपको यहाँ पर हाई फ्लेम नहीं रखना है, सिर्फ मसाला भूनते तक ही आपको जो फ्लेम है उसकी हाई करनी है और मीडियम फ्लेम कर दूंगी मैं। और इस मसाले के साथ जो चिकन है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं फ्लेम को स्लो टू मीडियम ही रहने दूंगी। तो यहाँ पर मिक्स हो चुका है चिकन और इसको कवर करके रख देती हूँ 12 से 15 मिनट के लिए। तो 12 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है और आप देख रहे हैं तेल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ चुका है। और आप ग्रेवी को चेक देखिए, ग्रेवी कितनी अच्छे से हमारी गाढ़ी हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली बार किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।